everyone and welcome back to this YouTube channel that is SEBI Forensics. So friends, अभी तक हमारा forensic ballistics पूरी तरह से complete हो चुका है. मैंने हर एक part के बारे में बहुत ही अच्छे से detail में discuss किया हुआ है. आई होप आपने सारे के सारे वीडियोस देख रखे होंगे. बेसिकली उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जहाँ पर आई थिंक मोर देन 60 वीडियोस हो चुके हैं एंड वहाँ पर सारे के सारे अगर आपने वीडियोस देख लिए तो उसके अलावा आपको एडिशनल पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड नेट के एग्जाम में आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ से. ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेंगे. एंड ये हमारे पूरा फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिकली ये आपका एक समरी है, एक ओवरऑल है जहाँ पर हम देखेंगे जो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स है उसको हमने पढ़ तो लिया लेकिन इसका फोरेंसिक एस्पेक्ट से क्या यूज़ है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो इसको आज हम बहुत ही डिटेल में पूरा डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने फोरेंसिक सिग्निफिकेंस के. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोरेंसिक सिग्निफिकेंस, अगर हम बात करें फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का, तो बैलिस्टिक्स का यूज़ करते हुए हम किसी भी विक्टिम का, किसी भी कल्प्रिट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर और सारे पॉइंट्स हैं एंड अभी आगे वाली स्लाइड से भी और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें अगर विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन करना है या फिर कल्प्रिट का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए तो आपका जो विक्टिम होगा, तो अगर कोई आपका फायरिंग का केस है तो विक्टिम की बॉडी पर कोई ना कोई आपका जो बुलेट्स होती हैं उनके इंजरी के पोर्शंस होंगे, तो वो जो वुंड्स होंगे फायरआर्म वाले या फिर जो बुलेट्स होंगी तो वो आपके कल्प्रिट के, जो आपका विक्टिम होगा तो उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा. तो उसका कंपेयर करते हुए, जो बुलेट्स मिलती हैं उसका कंपैरिजन करते हुए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अगर हम बात करें कल्प्रिट की, तो कल्प्रिट जब फायरिंग करता है, अगर किसी कल्प्रिट ने फायरिंग करी हुई है तो उसके हैंड पे जीएसआर जो आपका गन शॉट रेसिड्यू होता है उसके काफ़ी सारे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं. उसके अलावा जो आपका कल्प्रिट होता है उसके फिंगरप्रिंट्स, आपके फायरआर्म जो वहाँ पर देखने को मिलता है उस पर आपको देखने को मिलेंगे. तो इस तरह से लिंकेज होती है, तो उसकी हेल्प से आप किसी भी कल्प्रिट या फिर किसी भी विक्टिम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायरआर्म्स. तो फायरआर्म्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. ठीक है, तो अलग अलग टाइप के, जैसे जो भी आपके लीगल फायरआर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनवाए जाते हैं, तो उनमें यह होता है हर एक फायरआर्म का कोई ना कोई एक सीरियल नंबर होता है. उस सीरियल नंबर से आप मैन्युफैक्चरर जो रहता है उसका भी पूरा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, उस जो आपका सीरियल नंबर रहता है, क्योंकि सीरियल नंबर जो रहता है वो आपकी जो फैक्ट्री जहाँ पर बनती हैं, फायरआर्म्स जहाँ पर बनते हैं, तो वहाँ पर एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है. तो उस सीरियल नंबर का यूज़ करते हुए आप मैन्युफैक्चरर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, कई बार क्या रहता है, जो हमारा कल्प्रिट होता है वो क्या करता है, जो फायरआर्म्स का सीरियल नंबर होता है उसको इरेज कर देता है. इरेज करने के लिए वो कोई भी मेथड यूज़ कर सकता है, कोई भी रबिंग मेथड, कोई भी आपका हार्श कोई मटेरियल है उससे रब करके किसी भी तरह से उसको इरेज करने की कोशिश करता है ताकि वो पकड़ा ना जाए, उसका आइडेंटिफिकेशन, जो विक्टिम, जो आपका कल्प्रिट है उसका आइडेंटिफिकेशन किसी भी तरह से ना हो पाए. तो उस केस में क्या किया जाता है, जो फायरआर्म्स का सीरियल नंबर होता है उस सीरियल नंबर को वापस से रिस्टोर करने के लिए कुछ आपके केमिकल मेथड्स होते हैं जिनको हम रिस्टोरेशन मेथड्स कहते हैं. ठीक है, तो ये काम आपके फायरआर्म्स में भी होता है एंड ये काम जो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि आपकी कार है, आपकी बाइक है, तो जो अलग अलग टाइप की बाइक्स होती हैं तो उनका भी एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर को हम चेसिस नंबर कहते हैं. ठीक है, चेसिस नंबर उसको कहते हैं, तो उस नंबर को भी कई बार रिस्टोर करना पड़ता है. तो सिमिलरली उसमें भी कुछ केमिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, तो वो रिस्टोरेशन करने के लिए जो आपके अलग अलग केमिकल मेथड्स होते हैं उनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में कि जो फायरआर्म्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं. तो उसी केस में जो सीरियल नंबर होता है उसी से आप जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें कंपैरिजन ऑफ बुलेट्स एंड कंपैरिजन ऑफ कार्ट्रिज केसेस. तो मैंने आपको जब बताया था जो बुलेट होती हैं, जो कार्ट्रिज केस होता है, उनका जो एग्जामिनेशन होता है किस तरह से होता है, तो आई होप आप लोगों ने वाला वीडियो देख रखा होगा.
तो वहाँ पर मैंने हर एक तरह के मार्क के बारे में बताया था, जो बुलेट्स होती हैं, जो कार्ट्रिज केसेस होते हैं, जब आप फायरिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के मार्क्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप की वहाँ पर फायरिंग पिन मार्क्स है, आपका ब्रीच फेस मार्क्स है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के वहाँ पर मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उनका कंपैरिजन करके, जो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप होता है उसका यूज़ करते हुए आप इनको कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन माइक्रोस्कोप की, तो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे कि आपने एक सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा, उसमें क्या रहता है, आपका एक सिंगल स्टेज होता है जहाँ पर आपको अपने सैंपल को रखना होता है। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ पर क्या होता है, आपके दो स्टेज होते हैं, दो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप साइड बाई साइड अपने सैंपल को रख सकते हो। ठीक है, तो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत ही डिटेल में हम बाद में समझेंगे, यहाँ पर मैं आपको हल्का से बता देती हूँ। ठीक है, सो जो आपका कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में दो स्टेजेस होती हैं, जहाँ पर आप अपने एक पे आपको एक स्टैंडर्ड अपना सैंपल रखना होता है, दूसरे पे आपको अपना क्वेश्चन सैंपल रखना होता है। तो उससे क्या रहता है, उसका जो आपका सिस्टम का जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, उसका अटैचमेंट एक कंप्यूटर सिस्टम से होता है। तो उससे क्या रहता है, जो भी आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा होता है वो सारा का सारा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने को मिलता है। एंड मान लीजिए ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो ये मान लीजिए ये आपको इमेज आपको कुछ इस तरह से दिख रही है, इसमें आपको इमेज के दो पोर्शन दिखते हैं, इसमें आपको इमेज के दो पोर्शन दिखते हैं। एक साइड जो रहता है आपका जो स्टैंडर्ड पोर्शन रहता है, जो स्टैंडर्ड सैंपल होता है आपका, एंड दूसरी साइड में जो आपका क्वेश्चन सैंपल होता है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको दो साइड देखने को मिलती है, स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन दोनों को ही आप साइड बाय साइड कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको दोनों को जो आपका कंपैरिजन माइक्रोस्कोप होता है, तो मान लीजिए ये कुछ आपका इस तरह से कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है, एंड यहाँ पर एक आपको सैंपल लगाना है, एक सैंपल आपको यहाँ पर लगाना है, तो ये जो आपका सैंपल को लगाने के लिए यहाँ पर कुछ सिस्टम होता है, उसको भी उसमें भी क्या करते हैं, जो आपका सैंपल है, जो आपकी बुलेट्स होती हैं, जो आपकी कार्ट्रिज केसेस होती हैं, उनको आप रोटेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है, आप रोटेट कर करके यहाँ पर जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है वहाँ पर आप इसको बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें दोनों के दोनों सैंपल्स आप साथ में रख के पूरा क्लियरली बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। एंड वहाँ पे जितने भी मार्क्स होते हैं वो भी बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर बहुत इनलार्ज इमेज आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो वहाँ से जो किसी भी सैंपल का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप दोनों ही क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड सैंपल को साथ में रखकर साइड बाय साइड इमेज देखकर बहुत ही आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप उससे बता सकते हैं जो भी आपका सैंपल है, जो बुलेट है, जो कार्ट्रिज केस है, वो पर्टिकुलरली उसी फायरआर्म से फायरिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी बुलेट का, किसी भी कार्ट्रिज केस का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ एम्यूनेशन। एम्यूनेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आपने फायरिंग करी है, तो फायरिंग करने के लिए हर एक फायरआर्म के लिए अलग अलग टाइप का एम्यूनेशन यूज़ होता है। एम्यूनेशन का मतलब बेसिकली है, जो आपका कार्ट्रिज रहती है, जो आपकी फ्रेश कार्ट्रिज होती है वो आपका एम्यूनेशन होता है। ठीक है, तो जो आपकी कार्ट्रिज है तो वो हर एक अलग अलग टाइप के फायर आर्म्स के लिए अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, जो हर अलग अलग टाइप के फायर आर्म्स है तो उनका अलग अलग बोर साइज़ होगा, उनका अलग अलग बोर साइज़ होगा, तो जो आपके बुलेट्स रहती हैं, जो आपके कार्ट्रिज रहते हैं, उनका भी बोर साइज़, मतलब जो उनका भी पर्टिकुलरली हर एक बुलेट का, हर एक कार्ट्रिज का जो साइज़ रहता है, वो भी आपका फायर आर्म के अकॉर्डिंगली ही आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप अगर कोई आपको कार्ट्रिज केस मिलता है, कोई आपको बुलेट मिलती है, तो उसका जो डायमीटर, जो बोर साइज़ रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली कुछ आपके फायर आर्म्स होते हैं जहाँ पर आपको लैंड्स एंड ग्रोव्स देखने को मिलते हैं, कुछ आपके फायर आर्म्स होते हैं जो आपके स्मूथ बोर के फायर आर्म्स होते हैं, तो उससे भी आप नेकेड आई से भी उस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जो आपके कल्प्रिट होते हैं वो मिसगाइड करने के लिए राइफल, आपने उन्होंने फायरिंग करने के लिए कोई और वेपन यूज़ करा, लेकिन पुलिस को मिसगाइड करने के लिए, जो आपके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो आपके ऑफिसर्स जाते हैं उनको मिसगाइड करने के लिए वो दूसरा वेपन वहाँ पर छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसमें क्या रहते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप बोर साइज या इन सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलरली सेम वही वेपन है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप ऑफ एम्यूनेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ फायर आर्म यूज्ड इन एनी क्रिमिनल केस, तो ये भी वही चीज़ है कि आपका वही सेम फायर आर्म यूज़ किया गया है कि नहीं, तो उसके लिए जो भी आपका विक्टिम होगा
तो उसकी बॉडी में जो आपको बुलेट देखने को मिलेगी क्राइम सीन पर, पर्टिकुलरली आपको जो कार्ट्रिज केस देखने को मिलेगा उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनका जो डायमीटर रहता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कुछ बेसिक से पॉइंट्स, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो आपके फायरिंग होती है, जो बैलिस्टिक्स होती है, उसका यूज़ करते हुए आप रेंज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, एंगल ऑफ फायर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, टाइम ऑफ फायर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, एंड हाइट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज को ऑलरेडी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सेपरेट वीडियो भी आया था, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि रेंज का डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो रेंज का क्या मतलब है, बेसिकली कितने डिस्टेंस से आपकी फायरिंग हुई है, तो उसका मान लीजिए ये आपका कल्प्रेट है, ये आपका विक्टिम है, तो कितने डिस्टेंस से फायरिंग हुई है तो उसका आइडेंटिफिकेशन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज कहलाता है। इसके अलावा कितने एंगल से फायरिंग हुई है, मतलब आपका इस तरह से 90 डिग्री से हुआ है, इस एंगल पे हुआ है, इस एंगल पे हुआ है, इस एंगल पे हुआ है, या फिर मान लीजिए विक्टिम आपका नीचे है एंड आप यहाँ पर हैं तो इस तरह से हुआ है, तो ये आपका एंगल भी हो गया एंड ये आपकी हाइट भी हो गई, कितने हाइट से फायरिंग करी गई है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई आपकी। टाइम ऑफ फायरिंग का आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि जो कार्ट्रिज केसेस होती हैं, जो आपके फायर आर्म्स होते हैं, तो जब आप फायरिंग करते हैं तो फायरिंग करने के बाद में जो आपकी फायर आर्म की बैरल होती है या फिर जो आपका कार्ट्रिज केस होता है उसमें कुछ ट्रैप्ड गैसेस रह जाती हैं। जो आप फायरिंग करते हैं तो आपने अगर थोड़े टाइम पहले फायरिंग करी है तो उसमें काफ़ी सारी गैसेस देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे पार्टिकुलेट पार्टिकल्स वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो उससे आप टाइम ऑफ फायरिंग का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तुरंत के तुरंत ही फायरिंग हुई है, मतलब 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अप्रॉक्स हुए हैं, तो उस केस में क्या रहता है, जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर भी आपको इसके कुछ GSR के पार्टिकल्स, या फिर जब आप फायरिंग करते हैं तो जो प्रोपेलेंट के पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड, सेमी बर्न्ड एंड पूरी तरह से जो बर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको इन्वायरमेंट में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनका भी आप स्टोर करके उसका भी एग्जामिनेशन किया जाता है। स्टोर करने के लिए बेसिकली जैसे कि आपको पता है जो आपकी एयर होती है वो लाइट होती है, तो मान लीजिए ये आपके इन्वायरमेंट में कुछ इस तरह से पार्टिकल्स हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका कंटेनर है, जैसे कि अगर आप कोई भी कंटेनर को यूज़ कर रहे हो तो आप उसको उल्टा रखोगे एंड उल्टा रखने के बाद में थोड़ा सा ऊपर से नीचे साइड में मूव कराओगे एंड उसके बाद में क्या रहता है, आप उल्टा करे करे ही इस पर कैप लगा दोगे। इससे क्या रहता है, जो भी वहाँ पर इंट्रैप्ड पार्टिकल्स अगर होंगे भी तो आप उनको स्टोर कर सकते हो। वैसे इतना पॉसिबल तो नहीं हो पाता है कि ये आपको वहाँ पर मिल जाए, या फिर इतना कोई वहाँ पर ध्यान भी नहीं देता है इनको स्टोर करने के लिए, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको टाइम ऑफ फायरिंग का भी पता चल सकता है। इसके अलावा अगर आपने इनका जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, रेंज ऑफ फायरिंग, एंगल ऑफ फायरिंग एंड टाइम ऑफ फायरिंग, तो अगर वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, वहां पर आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पर मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरह से आप करते हैं एंड क्या आपका फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ रिकोचेट की। तो रिकोचेट क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। जैसे कि अगर हम रिकोचेट की बात करें तो रिकोचेट में क्या रहता है, मान लीजिए ये आपका कोई टारगेट है, आपको इस तरह से फायरिंग करनी है एंड आपने इस तरह से फायरिंग करी भी है, बीच में क्या हुआ, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ गया, कोई भी आपका पोल आ गया या कुछ भी आ गया, तो उससे लड़ने के बाद में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वैसे आपका टारगेट कुछ इस तरह से था एंड आपकी फायरिंग करने की वजह से क्या हुआ, ये आपका इस तरह से ना जाके इससे लड़ा एंड इससे लड़ने के बाद में कुछ इस तरह से मूव कर गया। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जो आपकी बुलेट होती है वो भी आपकी पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसमें अलग अलग टाइप के रोटेशन भी हो सकते हैं, यॉर्निंग, वॉबलिंग या इस तरह से कोई भी आपका मूवमेंट भी हो सकता है एंड जो आपकी बुलेट होती है वो भी आपकी शेप उसका चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से जब वो किसी भी टारगेट से हिट करती है, अपने जो भी टारगेट होता है उससे हिट करती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। तो ये होता है आपका रिकोचेट में। इसके अलावा रिकोचेट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया था, इसका सेपरेट वीडियो आया था, तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक्स, तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ क्राइम। अगर आपको पता करना है कि ये किस तरह का टाइम है, या फिर हम कहें कि जो आपका क्राइम है ये आपका डेथ है, किस तरह की डेथ है, मतलब आपका सुसाइड है, होमिसाइड है या फिर एक्सीडेंटल है, इसका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ही आसानी से फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का यूज़ करते हुए हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा केस है, कोई भी ऐसा क्राइम है जहाँ पर फायर आर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है,
वहाँ पर आपका विक्टिम प्रेजेंट है, विक्टिम की बॉडी में कोई भी आपकी जो वुंड ऑफ इंजरी जो होता है, आपका जो बैलिस्टिक्स का यूज़ करते हुए, जो फायर आर्म्स का यूज़ करते हुए वुंड कॉज होता है, तो वो अगर विक्टिम की बॉडी में आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करते हुए आप बता सकते हो कि वो सुसाइड है, होमिसाइड है या फिर एक्सीडेंटल है। सुसाइड के केस में क्या आपको देखने को मिलेगा, अगर जनरली क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जनरली आपके राइट हैंडेड होते हैं, तो अगर कोई इंडिविजुअल फायरिंग करेगा तो वो अपने राइट हैंड से करेगा, तो जो आपका वुंड ऑफ इंजरी देखने को मिलेगा वो आपके राइट साइड में, बॉडी के राइट साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ आपके इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई वुंड ऑफ इंजरी देखने को मिलेगा तो वो आपके लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये आपको कैसे पता होगा कि वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल था वो लेफ्ट साइडेड था या राइट साइडेड था। तो उसके लिए आप जो भी इंडिविजुअल है उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो भी उसके जानने वाले हैं आप उनसे पूछ सकते हो। उसके अलावा वहाँ पर आपके जो इंडिविजुअल है उसकी जो हैंड राइटिंग होती है उसका एग्जामिनेशन करके भी, अगर वहाँ पे अगर उसके घर पे हैं या कहीं भी हैं, तो अगर किसी तरह से उसकी जो इंडिविजुअल है जो जिसकी डेथ हुई है उसके अगर हैंड राइटिंग का कोई सैम्पल मिलता है तो उसका यूज़ करते हुए भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल राइट साइडेड था या फिर लेफ्ट साइडेड था। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपका और डेथ हुई है वो सुसाइड है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात करें होमिसाइड की, तो होमिसाइड में कुछ आपके जो विक्टिम होगा तो उसकी बॉडी में एक तो आपको मतलब उस पोर्शन पे मतलब जैसे कि आपने फायरिंग करी है तो वो कोई भी इस तरह का पोर्शन नहीं होगा आपकी बॉडी का जहाँ से आप अपने खुद के हैंड का यूज़ करते हुए फायर कर सको। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, बेसिकली जो होमिसाइड के केसेस होते हैं, उन केसेस में जो आपको इंजरी देखने को मिलती है बेसिकली थोड़े से डिफरेंट पोर्शन पे देखने को मिलती है, डिफरेंट साइड में देखने को मिलती है अगर डायरेक्टली कहें तो। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल राइट हैंडेड है एंड उसकी बॉडी में अगर आपको इंजरी लेफ्ट साइड में देखने को मिल रही है तो उससे आप बता सकते हो कि ये होमिसाइड का केस होगा। उसके अलावा जो आपके होमिसाइड के केसेस होते हैं तो उन केसेस में आपने जनरली देखा होगा कि उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा बहुत होने देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो इंडिविजुअल जो विक्टिम होता है या फिर जो कल्प्रिट होता है तो दोनों की बॉडी में कई बार आपको कुछ लड़ाई झगड़े के निशान, कोई मतलब कोई स्क्रैप मार्क, कोई स्क्रैच या फिर इस तरह का कोई ब्रूस या फिर इस तरह के कोई भी इंजरी मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये केस आपका होमिसाइड था या फिर किस तरह का केस था, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सीडेंटल की बात करें तो एक्सीडेंटल कई बार आपने जानबूझ के फायरिंग नहीं करी, गलती से चल गई या इस तरह से कोई भी केसेस होते हैं तो वो आपके एक्सीडेंटल में आते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको इंजरी देखने को मिल रही है विक्टिम की बॉडी पर तो आप उसका पूरा प्रॉपर बहुत सही तरह से आइडेंटिफिकेशन करके आप बता सकते हैं कि वो जो भी क्राइम है या वो जो भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है वो किस टाइप की है या फिर किस तरह का वो क्राइम हुआ है, वो सुसाइड है, होमिसाइड है, एक्सीडेंटल है, वो किस तरह का है, तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके कुछ और पॉइंट्स, एंड अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो आपकी टाइप ऑफ इंजरी है, इंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड है, तो इसका आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। जो आपके अगर फायर आर्म की वजह से अगर इंजरी होगी तो वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अगर बाकी तरह के होते हैं तो वो आपके डिफरेंट होते हैं। वुंड में भी जो आपके फायर आर्म्स वाले इंजरी होती है तो वो भी आपकी कई बार डिफरेंट होती है। जैसे एक आपका रयाला सीमा फिनोमिना होता है तो वो आपका फायर आर्म वाला केस नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन आपका उसमें आपको बुलेट देखने को मिलती है इंजरी पे, ठीक है। तो वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिना होता है लेकिन वो भी आपका फायर आर्म आपका जो बैलिस्टिक्स होता है उसी में कंसीडर किया जाता है। तो रयाला सीमा फिनोमिना क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की इंजरी होती है तो जब आप वुंड को प्रॉपरली एग्जामिन करते हो तो उससे आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलरली जो भी आपका इंजरी है वो किस तरह की इंजरी है। इसके अलावा एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि ये जो आपका केस है ये आपका एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल पाएगा तभी तो आपको ये पता करना होगा कि वो पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल था वो राइट हैंडेड था या लेफ्ट हैंडेड था, तो उसी से आप बता सकते हैं कि वो आपका जो भी केस है वो सुसाइडल है या होमिसाइडल है या क्या है, ठीक है। तो इसलिए एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया आपके टाइप ऑफ इंजरी एंड एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड के बारे में।
इसके अलावा कई बार क्या रहता है, जो आपके जो विक्टिम होता है, जो कल्प्रिट होता है, उनके क्लॉथ्स एग्जामिनेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि जब आप फायरिंग करते हैं तो जो GSR के पार्टिकल्स होते हैं, वो GSR के पार्टिकल्स जो कल्प्रिट होता है, जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल होता है, उसकी क्लॉथ्स पर बहुत सारे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसको अगर आइडेंटिफाई करना है कल्प्रिट कौन था, तो उसके लिए जो भी आपके पास सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स है कि इन्होंने उन्होंने फायरिंग करी होगी, तो उनके जो क्लॉथ्स होते हैं वो भी आपके पैक करके लैब में भेजे जाते हैं, एंड उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, एंड उनके एग्जामिनेशन करने के लिए GSR पार्टिकल्स का एग्जामिनेशन होता है बेसिकली। तो GSR पार्टिकल्स का एग्जामिनेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन। इसके अलावा क्या होता है, जो विक्टिम होता है तो उसके क्लॉथ्स पे भी आपको GSR के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। उसके जो क्लॉथ्स होते हैं, अगर क्लॉथ्स पहने हुआ है उसके, मतलब जहाँ पे आपने फायरिंग करी है, तो वहाँ पर अगर क्लॉथ्स हैं तो क्लॉथ्स पे कई बार आपको आपके टैटूइंग, बर्निंग, चारिंग, डर्टरिंग, ये सारे के सारे आपके पार्टिकल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जामिनेशन करने के लिए भी क्लॉथ्स का आपका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इस वजह से जो आपके विक्टिम होते हैं, जो आपके कल्प्रिट होते हैं, उनके क्लॉथ्स का भी एग्जामिनेशन होता है, उनको भी पैक किया जाता है, उनको कलेक्ट किया करके लैब में भेजा जाता है एग्जामिनेशन पर्पज़ से, ठीक है। तो इनके क्लॉथ से भी आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो जो आपके फायर आर्म्स होते हैं या फायर आर्म्स से रिलेटेड जितने भी तरह के एविडेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका कार्ट्रिज केस है या फिर बुलेट है, तो उन पर आपको कई बार ट्रेस एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, ब्लड है, सॉइल है। तो ये जो होते हैं कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके हेल्प से आप काफ़ी हद तक अपने कल्प्रिट तक, आपके जो भी विक्टिम है उस तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि विक्टिम तो आपको डायरेक्टली सीन पर दिख रहा होता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या रहता है, जो आपके विक्टिम की प्लेस होती है वो डिसप्लेस करी जाती है, मतलब जो आपको क्राइम सीन आपको बताया गया कि यहाँ पर आपका कोई ना कोई सीन हुआ है, लेकिन कई बार वहाँ पर आपको बॉडी देखने को नहीं मिलती है, तो उस केस में ये सारे जो आपके एविडेंसेस होते हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, ब्लड है, सॉइल है, तो इनका एग्जामिनेशन करते करते आप डायरेक्टली विक्टिम तक पहुँच सकते हैं या फिर कल्प्रिट तक पहुँच सकते हैं। तो इस वजह से जब भी आपको कोई भी तरह के फायर आर्म एविडेंसेस का कलेक्शन करना होता है या फिर किसी भी तरह के एविडेंसेस का कलेक्शन करना होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होता है कि जो भी आपके एविडेंसेस हैं उन पे अगर कोई भी अदर ट्रेस एविडेंस प्रेजेंट हैं तो उनमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्शन कॉज ना हो, वो सारे के सारे अपने सिक्योर रहें, ठीक है। तो उसके लिए जितने भी तरह के एविडेंसेस होते हैं उनका एग्जामिनेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। एंड फायर आर्म से रिलेटेड जितने भी तरह के एग्जाम आपके एविडेंसेस होते हैं, उनका कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग किस तरह से करते हैं, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने वो सारे के सारे वीडियोस देख रखे होंगे। अगर आप में से कोई भी है जिसने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उनको देखने के बाद में ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी तरह के आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी होता है फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में, उसकी पूरी की पूरी समरी है। एंड यहाँ पर बेसिकली हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके सिग्निफिकेंस है फोरेंसिकली, आपके बैलिस्टिक्स का क्या यूज़ है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, एंड आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इतना ही आपका फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस होता है, एंड ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। एंड इसके अलावा थोड़ा सा आप अपने टेक्निकली, आप अपने माइंड से लॉजिकली थोड़ा सा आप सोचेंगे, तो जब आप किसी भी क्राइम सीन पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको और नए नए आइडियाज़ आते हैं कि यहाँ पर ये भी हो सकता है, वहाँ पर वो भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड कर दिए हैं, एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इंक्लूड करे हुए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, आपको नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर वीडियो खत्म होता है, एंड इसकी जो PDF है, पूरी कंपाइल PDF आपको 2 से 3 दिन में हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, चांद्रन ब्लॉगर पर मिल जाएगी। ब्लॉगर नहीं, सॉरी, आपको इसकी जो PDF है हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ पर आप इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे। एंड इससे पहले मैंने फोरेंसिक बैलिस्टिक्स पार्ट 1 की भी PDF दी थी, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में
आपको एक लिंक मिलेगा आपका टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज का, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।